हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मैक्रोनी पास्ता। जिसे बनाने के लिए पैन में डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। जब पानी गर्म हो जाएगा, पानी हल्का सा उबलने लगे, इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। इससे मैक्रोनी में फ्लेवर अच्छा आएगा और नमक अंदर तक पहुंच जाएगा। 1 चम्मच ऑयल डाल के इसे हिला दीजिए, इससे ये चिपकेगी नहीं। तो हम इसमें 1.5 कप मैक्रोनी डालेंगे। शुरू में हमने पहले 1 कप डाला, बाद में हमने 1/2 कप डाला। टोटल हमने 1.5 कप मैक्रोनी डाला। मैक्रोनी जितना लीजिए उससे ऊपर पानी होना चाहिए। 5 मिनट इसे उबलने देंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए। तो देखिए, यहाँ पे इसे पकते हुए 5 मिनट के करीब हो चुका है और मैक्रोनी बढ़िया से उबल चुकी है और ये पहले से ज़्यादा फूल चुकी है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये पकी है कि नहीं। इसके लिए आप मैक्रोनी पहले बाहर निकालें और इसे चाकू से काट के देखें। अगर ये अच्छे से कट जाए तो समझ लीजिए ये पक चुकी है। तो देखिए, कट चुकी है। तो गैस को बंद कर दीजिए, इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करिए। तो अब हम इसको छान लेंगे। इसके लिए हमें गैस बंद कर दीजिए और एक यहाँ पे बोल रखते हैं। बोल में हम यहाँ पे छन्नी लगाएंगे और इसमें जो सारा पानी यहाँ पर निकाल देंगे मैक्रोनी में। और देखिए, जो गर्म पानी था सारा हमने निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालने से इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाता है और मैक्रोनी ओवर कुक नहीं होती। तो इस पानी निकल चुका है। अगर आप थोड़ा देर में बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर 1 चम्मच यहाँ पर ऑयल डाल सकते हैं। इससे ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। और इसे इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। इसे साइड में रखते हैं और मैक्रोनी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। आप इसके जगह बटर ले सकते हैं या तेल या बटर को मिला के ले सकते हैं। 8 से 10 लहसुन को काट के बिल्कुल बारीक डाल दीजिए। जब हल्का सा लहसुन यहाँ पर पक जाए तो 1 हरी मिर्च है जिसको हमने यहाँ पर छोटा छोटा काट लिया है। हमें यहाँ पे लहसुन को का कलर चेंज नहीं करना है। 1 बड़ा प्याज है हमने जिसको यहाँ पर बारीक काट लिया है। प्याज को भी हमने एकदम छोटा छोटा काट के डाला है। प्याज को हम थोड़ी देर पका लेंगे। प्याज को तब तक पकाइए जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। प्याज का भी हमें कलर नहीं चेंज करना है। सभी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे पकाना है। तो देखिए, प्याज यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो गई है। गैस को बिल्कुल हमने धीमा ही किया है अभी। और अभी हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर। तो हमने यहाँ पे 2 बड़ा लाल टमाटर लिया था जिसको हमने इसको भी छोटा छोटा काटा है। तो मैक्रोनी में टमाटर का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। टमाटर जल्दी से पके इसके लिए थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। मैक्रोनी उबालते समय भी हमने नमक डाला था, इसलिए नमक को कम ही डालें। इसे यहाँ पर मिक्स कर दीजिए। थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सेजवान सॉस डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये तीखा नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दीजिए। मसाले को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करते हैं। सेजवान सॉस डालने से मैक्रोनी में टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनती है। तो हमने इसे मिक्स कर दिया है। टमाटर को मसालों के साथ हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। इसके लिए इसे ढक दें और 2 मिनट पकने दें। तो देखिए, यहाँ पे 2 मिनट हो गया है। ढक्कन हटाते हैं और टमाटर बिल्कुल यहाँ पर मैश हो गया है। मसाले भी बढ़िया से पक गए हैं और यहाँ पर ये तेल छोड़ दिया है। तो सेजवान सॉस हमने डाला था जिसकी वजह से यहाँ पर मसालों में कलर बहुत बढ़िया आया है। तो हम इसमें डाल देंगे गाजर और शिमला मिर्च जिसको हमने छोटा छोटे पीसेस में काट लिया था। तो आप इसके जगह यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं। आप स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं। आप इसमें स्प्रिंग ऑनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के ढक के हम इसे पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 मिनट हो गया है। ढक्कन हटा लीजिए और सब्जियों में यहाँ पर क्रंच बना रहना चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। बढ़िया से यहाँ पर सब्जी पक चुकी है। अभी जो हमने यहाँ पर मैक्रोनी को उबाल के रखा था इसे हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल अलग अलग मैक्रोनी है। हमने इसमें उबालने के बाद ठंडा पानी लग डाला था और उसके बाद तेल डाला था जिसकी वजह से मैक्रोनी आपस में चिपकी नहीं। इसे बढ़िया से मिक्स करिए ताकि मसाले मैक्रोनी के साथ बढ़िया से मिल जाए। तो देखिए, सभी चीज़ों को इस तरीके से ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालने से दोस्तों बहुत अच्छा लुक देखने में आता है। जब भी आप इसे सर्व करें, धनिया डालकर ही सर्व करें।
और देखिए दोस्तों, अच्छे से हमने इसे मिला लिया है और 1 मिनट तक हम इसे पका लेंगे ताकि मैक्रोनी में मसालों का फ्लेवर बढ़िया से आ जाए। तो देखिए, हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में निकालते हैं। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बन के तैयार है। कैसा लगा आपको आज की रेसिपी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसे बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 5 मिनट में बनता है। जब भी बच्चों को भूख लगे आप इसे बना के दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।